वेलकम टू बोलते हाथ। आज की इस वीडियो में हम उन चार ज़ोडिएक साइंस पर बात करेंगे जो मशहूर हैं, बेवफाओं से भी वफा करते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस। बुर्ज सौर, रिश्तों में कामयाबी के लिए उसमें एतमाद का होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे पर एतमाद, और जब एक बार एतमाद का मुकद्दस रिश्ता टूट जाता है तो उसे दोबारा बनाने में ज़िंदगी लग सकती है। और यही वजह है हम अक्सर देखते हैं शादीशुदा जोड़ों में और जो मोहब्बत के रिश्तों में होते हैं उनके रिश्तों में खटाई या जुदाई में बेवफाई या धोखा होता है। तो टॉरियंस के बारे में मशहूर है कि ये लोग बड़े वफादार होते हैं, रिश्तों में बड़े वफादार रहते हैं, लॉयल रहते हैं। ये ज़िंदगी के पॉजिटिव पहलुओं को ज़्यादा नज़र में रखते हैं और इसी वजह से ये अपने दोस्तों और रिश्तों पर भरोसा करते हैं और अपने पार्टनर की खामियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। और यहाँ तक कि इनके साथ धोखा भी हो जाए तो तब भी ये लोग रिश्ते में रहेंगे, अपनी मोहब्बत को छोड़ेंगे नहीं, अपने उस रिश्ते को बनाने संवारने की कोशिश करेंगे, उस रिश्ते की अच्छी तरह से परवरिश करने की कोशिश करेंगे। और ये लोग अपने रिश्ते को बहुत बचा के रखते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, अपने रिश्तों की हिफाजत करते हैं। टॉरियंस अपनी मोहब्बत का इजहार ना भी करें तो भी ये लोग अपने रिश्तों के साथ जुड़े रहते हैं, ज़हनी तौर पर जुड़े रहते हैं, उनके लिए हमेशा कुछ बेहतर करना चाहते हैं। टॉरियंस एक छोटी सी फैमिली, एक छोटे से सोशल सर्कल के अंदर रहते हुए बड़े मुतमाइन रहते हैं, खुश रहते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। जैसे एक कहावत है कि आपने किसी के दिल तक पहुंचना है तो उसके दिल का रास्ता उसके खाने से होता है, यानी आप उसे अच्छा खाना खिलाएं तो आप उसके दिल को फतह कर सकते हैं। शायद यही एक मिसाल टॉरियन के लिए बनी है, क्योंकि टॉरियंस अच्छे खानों के शौकीन होते हैं, अच्छे खानों के दिलदादा होते हैं। और ये अच्छे खाने से लेकर ज़िंदगी के हर मोमेंट को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। और टॉरियंस बहुत मोहब्बत करने वाले, वफादार, काबिले एतमाद, ज़हीन और इंडिपेंडेंट होते हैं। और अगर किसी टॉरियन को अपने रिश्ते में किसी बेवफाई का सामना करना पड़े, उसका पार्टनर उसके साथ बेवफाई कर रहा हो, तो ये लोग उस रिश्ते को निभाते हैं, उस रिश्ते को छोड़ते नहीं हैं, उस रिश्ते की खामियों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लड़कर करें, चाहे वो मोहब्बत से करें, जैसे भी करें, ये लोग उस रिश्ते को छोड़ते नहीं हैं बल्कि उस रिश्ते को निभाते हैं। बेवफाओं से वफा करने वाला जो दूसरा ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर। बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस अपने रिश्तों के साथ जुड़ के रहते हैं, अपने रिश्तों को जोड़ जोड़ कर रखते हैं। कैंसेरियंस अपने रिश्तों के मामले में, अपने दिल के मामलात में बहुत सेंसिटिव होते हैं और अपने रिश्तों का बहुत ख्याल भी रखते हैं। हाँ, यहाँ ये बात सच है कि कैंसेरियंस को बहुत जल्दी बहुत ज़ोरों का प्यार हो जाता है, बड़ी जल्दी मोहब्बत में पड़ जाते हैं। इन्हें जितनी जल्दी मोहब्बत होती है उतनी ही जल्दी उस रिश्ते से निकल भी जाते हैं। लेकिन एक कैंसेरियंस बंदे या बंदी का रिश्ता दिल से बन जाता है तो ये उस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं, उस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये लोग बहुत रोमांटिक होते हैं, बड़े वफादार होते हैं। और जब एक कैंसेरियन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाता है या उसकी शादी हो जाती है तो ये लोग अपनी फैमिली से, अपने स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी बड़ी हिफाजत करते हैं, अपने घर की बड़ी हिफाजत करते हैं। अपनी मैरिड लाइफ को कामयाब बनाने के लिए ये लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी दे देते हैं। इनकी ज़िंदगी की सारी खुशी अपनी फैमिली को एक साथ इकट्ठे रखने में होती है। कैंसेरियंस बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, इनका हल्का अहबाब बहुत छोटा होता है, लेकिन उन सब के साथ ये लोग कनेक्टेड होते हैं। और कैंसेरियंस अपनी पुरानी यादों और अपनी ख़ानदानी रवायतों को बरकरार रखते हैं।
ये लोग अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ इकट्ठी करते हैं, खुशियाँ जमा करते हैं, खुशियों को तस्वीरों की शक्ल में अपने पास रखते हैं। अब चाहे वो तस्वीर हार्ड कॉपी पर हो या इनके जहन में हो, हर कैंसेरियन के अंदर एक माँ ज़रूर होती है, चाहे वो कैंसेरियन मर्द हो या खातून। ये लोग अपने रिश्तों को अकीदत की हद तक चाहते हैं, अकीदत की हद तक मोहब्बत करते हैं और इसी वजह से अपने करीबी रिश्तों की बहुत सी गलतियों को, कोताहियों को, बहुत सी कमियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ, कैंसेरियंस के मूड स्विंग्स होते रहते हैं, इनके मूड बदलते रहते हैं, तो इस वजह से इनको अपने रिश्तों में जहाँ कमी नज़र आए वहाँ पर गुस्सा भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे ही लम्हे उस रिश्ते को सीने से भी लगा के रखते हैं, उस रिश्ते को जाने नहीं देते, उस रिश्ते को छोड़ते नहीं हैं। और कैंसेरियंस ने दोस्तों और नए तजर्बात की तलाश में नहीं रहते और इसी वजह से ये लोग अपने घर से दूर जाने की कोशिश नहीं करते, अपने घर वालों और अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। बेवफाओं से वफा करने वाला जो अगला ज़ोडियक साइन है वो है स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब। स्कॉर्पियंस अपने रिश्तों में डोमिनेंट होते हैं, अपने रिश्तों को अपने कंट्रोल में रखते हैं और इसके साथ ये बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल वार भी खेलते हैं, अपने रिश्तों को अपनी अहमियत का एहसास दिलाते रहते हैं। कैंसेरियंस बड़े डेयरिंग होते हैं, बड़े बोल्ड स्टेप्स ले सकते हैं, बड़े दबंग लोग होते हैं, लेकिन मोहब्बत के मामले में ये लोग बड़े सियाने होते हैं, इन्हें आसानी से मोहब्बत नहीं होती और जिससे इन्हें मोहब्बत हो जाती है फिर उसके साथ चिमट जाते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं। तो अगला बंदा या बंदी इनके साथ बेवफाई करे तो उसे सख्ती से समझाते हैं लेकिन उसे छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि स्कॉर्पियंस अपने रिश्तों के साथ बड़े कमिटेड होते हैं और स्कॉर्पियंस का एतमाद हासिल करना एक मुश्किल टास्क है। लेकिन जब ये लोग किसी पर एतमाद कर लेते हैं तो फिर उस इंसान के लिए अपना आप वक्फ कर देते हैं। ये लोग अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने स्पाउसेस के साथ, अपने पार्टनर के साथ जुड़े रहते हैं, हर अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहते हैं। स्कॉर्पियंस अपने रिश्तों में बड़े ईमानदार रहते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, बेईमानी से नफरत करते हैं, धोखे, चोरी, फ्रॉड से नफ़रत करते हैं, क्योंकि जितने ये खुद अपने आप के साथ ईमानदार होते हैं, अपने आप के साथ सन्सियर होते हैं, हर फैसला बहुत सोच समझ कर करते हैं, यही सोच इनकी दूसरों के बारे में भी होती है। स्कॉर्पियंस थोड़े मिस्टीरियस भी होते हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है ये कोई दूसरा आसानी से नहीं समझ सकता, लेकिन ये लोग अपने रिश्तों के साथ बहुत जुड़ के रहते हैं, अपने रिश्तों की बड़ी हिफाजत करते हैं, रिश्तों में बड़े रवायती मोहब्बत करने वाले वफादार और बहुत रोमांटिक लोग होते हैं। एक स्कॉर्पियन को कुदरत ने ये ताकत अता की है कि ये मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी आसानी से हल कर लेते हैं, ये लोग चालाक, मकार, धोखेबाजों को भी राह रास्त पर ले आते हैं। बेवफाओं से भी वफा करने वाला जो चौथा ज़ोडियक साइन है वो है पाइसिस बुर्ज हूद। पाइसियंस जहां बहुत जज्बाती लोग होते हैं वहीं ये लोग बहुत मोहब्बत करने वाले, बड़ी केयर करने वाले लोग भी हैं। ये लोग मुश्किल से मुश्किल रिश्तों को भी अपनी मोहब्बत से, केयर से जीत लेते हैं। तो अगर हम पाइसियंस को डिफ़ाइन करें तो ये लोग बड़े वफादार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, हमदर्दी का जज्बा रखने वाले, बड़े अक्लमंद और अपने रिश्तों की बड़ी हिफाजत करने वाले लोग होते हैं। ये लोग बड़े मुस्तकिल मिजाज और अपने घर से, अपनी घरेलू ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं, हर वक्त अपने घर को बनाते संवारते रहते हैं, अपने रिश्तों को जोड़ जोड़ कर रखते हैं, अपने रिश्तों की हिफाजत करते हैं, उनकी बड़ी केयर करते हैं, हर दुख सुख में साथ देते हैं। अगर किसी पाइसियंस का किसी एक ऐसे बंदे के साथ रिश्ता तय हो जाए कि जो थोड़ा बेवफा हो, चलचल हो, शोक हो, तो ये लोग उसको राह रास्त पर लाने के लिए अपनी मोहब्बत की बौछार कर देते हैं
और मोहब्बत के मामले में पाइसियंस बहुत जज्बाती होते हैं। अक्सर जज्बात में आकर ये ऐसी गलती कर देते हैं कि जिसे अगले बंदे का दिल खट्टा हो जाता है, लेकिन ये खुद उस रिश्ते को छोड़ते नहीं हैं, उस रिश्ते के साथ चिपक के रहते हैं, उस रिश्ते को बनाने संवारने का काम करते रहते हैं, उस रिश्ते की परवरिश करते हैं, उस रिश्ते में अपनी मोहब्बतों की बौछार कर देते हैं, लेकिन अपने उस रिश्ते को छोड़ते नहीं हैं। पाइसियंस का ना सिर्फ अपने स्पाउस के साथ बल्कि अपने बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है। होती अपने वालिदैन की भी बड़ी लाडली औलाद होती है, तो घर बनाना, फैमिली बनाना, एक फैमिली को साथ लेकर चलना एक पाइसियंस से अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। जैसे स्कॉर्पियंस अपने जज्बात, अपने इमोशंस छुपा लेते हैं, बताते नहीं हैं, बिल्कुल इसके उलट पाइसियन अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते रहते हैं, लेकिन ये लोग अपने जज्बात छुपा नहीं सकते। पाइसियन की एक और बड़ी ज़बरदस्त आदत इनके रिश्तों को कामयाब बना देती है, वो ये है कि ये बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, दूसरों की बातों को दिल से सुनते हैं, और ये लोग ख़ुद भी बड़े अच्छे अंदाज में बात कर सकते हैं, दूसरों की बातों को बड़ी अपनाइयत और दिल के साथ सुनते हैं। और ये लोग जिस किसी के साथ भी अपना रिश्ता बना लेते हैं, जिस किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाते हैं, उसके साथ ये लोग रूहानी रिश्ता कायम करने की कोशिश करते हैं, और रूहानी रिश्ते आसानी से टूटते नहीं हैं, चाहे वो किसी बेवफा या धोखेबाज के साथ ही क्यों ना हो, रिश्ता कायम रहता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और बोलते हाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।